अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मलेशिया से थाईलैंड ई वीज़ा भाई शुरू हो गया है, तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। क्योंकि पहले काफ़ी कंट्री में ऑनलाइन थाई ई वीज़ा जो था ना शुरू हो गया था, तो अभी मलेशिया में जो साथी है भाई, मलेशिया से थाईलैंड मसलन आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 तारीख को ऐलान 8 तारीख को इन्होंने शुरू करना था, तो मैंने आज साथी से पूछा तो उन्होंने बताया ना, ये सामने आ रहा है इनकी वेबसाइट, ठीक है। ये ऑनलाइन जो वीज़ा अप्लाई करना है ना थाई का, ई वीज़ा भी हो गया, प्रोसेस इसका जो भी है ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी काफ़ी कंट्रियों में भी शुरू कर दिया, कम से कम 50 कंट्री से ऊपर जो है ना इन्होंने ऑनलाइन ई वीज़ा कर दी है। तो भाई जो भी साथी मसलन किसी भी कंट्री में आप बैठे हो, मसलन सब कंट्री में नहीं हुआ, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे अभी ऑनलाइन वीज़ा शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो मलेशिया में जो साथी है भाई, हमने फ़ोन किया और साथियों के साथ रबते में भी है, तो ऐलान तो हो गया है, तो पर अभी जो है ना मसलन प्रोसेस जो है कुछ दिनों में अपडेट आएगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर देगा। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने भी वहाँ से अप्लाई की है, तो मसलन अभी तक अलाउ नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि एम्बेसी जाओ, पर वैसे प्रोसेस है जो है ना इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये शुरू हो जाएगा, ऐलान हो गया है। और इनका जो है ना वेबसाइट जो भी है सब इन्होंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। मसलन वीज़े अभी फ़िलहाल हमने देखा नहीं है, और जब आएगा किसी का और हम भी अप्लाई कर रहे हैं, लोग दोस्तों के चेक कर रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी हमें किसी का वीज़ा नज़र नहीं आया, ठीक है। जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर देगा, क्योंकि प्रोसेस जो होता था डायरेक्ट मैसेज जाते थे किसी जगह पे महीना और किसी जगह पे 2-3 दिन में मिल जाता है, तो अभी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये ऑनलाइन अभी सिस्टम ऐसा कर दिया। जो भी साथी मलेशिया में और थाईलैंड आना चाहता है बाई रोड और तो गाड़ी एंट्री जो भी वीजा टिका के वाले से ये नीचे व्हाट्सएप नंबर में सर रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ वीआईपी सर्विस और एंट्री जो भी है आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।